और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की डायरी न्यूज 24 को मिली। इस डायरी से सुशांत सिंह सुसाइड केस के कई राज खुलेंगे। डायरी में सुशांत के सपनों की कहानी दर्ज है, फिल्म से लेकर फैमिली तक की बातें हैं, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की पूरी प्लानिंग थी उनकी। सुशांत की डायरी में जितने पन्ने हैं उतनी ही कहानियां हैं। हर पन्ने में नई बात है, हर पन्ने में सुशांत के सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए ही खाका खींचा हुआ है। दर्शकों के अविश्वास को विश्वास में बदलने की बातें उसमें लिखी हुई हैं। सिनेमा की दुनिया में बहुत कम वक्त में सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कुछ कमाया था। फिल्मों में दमदार एक्टिंग, दर्शकों के दिलों में जगह बनाने की कला और हर फिल्म के लिए एक खास तरह की तैयारी, यही कारण था कि बॉलीवुड में हर दिन सुशांत अपनी छाप छोड़ते चले जा रहे थे। कहते हैं कि भविष्य के लिए सुशांत के पास शानदार प्लान भी था और वो पूरा प्लान सुशांत की डायरी के पन्नों में लिखा हुआ था और वो डायरी न्यूज 24 के पास है। सुशांत की मौत के 58 दिन बाद उनकी डायरी के कुछ पन्ने सामने आए जिसमें सुशांत के सपने लिखे हुए हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स लिखी हुई है और लिखी हुई है रिश्तों की कहानी। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की बातों के बीच सुशांत ने अपनी डायरी में अपनी सोच और अपने सपने को अच्छे से उकेरा है। डायरी में क्रिएटिव प्लानिंग को सुशांत ने 5 भागों में बांटा था। पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इसमें सुशांत के साथ कौन कौन लोग होंगे, हर बात का जिक्र किया गया है। पहला स्टेप, सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। दूसरे स्टेप में खुद को एक्सप्लोर करेंगे, श्रद्धा और पीडी भी रहेंगे। तीसरे स्टेप में स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करेंगे, आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे और फिर फाइनल करेंगे। सुशांत की डायरी के इसी पन्ने में चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था, फिर उसे काट दिया गया और इस स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान भी लगाए गए हैं। फिर 5वें स्टेप में चौथे स्टेप वाली बात को लिख दी गई है। चौथे स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी, 5वां स्टेप कंटेंट जनरेशन। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में सबसे ऊपर लिखा हुआ है आई। इस पन्ने में भी सुशांत ने 5 पॉइंट बनाए थे और हर पॉइंट में ख्वाब लिखे हुए थे। किसी में एक्टिंग की बात, किसी में हॉलीवुड में बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन की बात, किसी में अपनी टीम के साथ मीटिंग की बात। पहला कदम, एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना। दूसरा कदम, हॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन। तीसरा कदम, क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाना। चौथा कदम, सिनेमा एजुकेशन और एनवायरमेंट के लिए अपग्रेड करना। 5वां कदम, कोर टीम के साथ हर हफ्ते मीटिंग। हर पन्ने में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरह से तैयारी है और उसे पूरा करने का प्लान है। सुशांत की डायरी के एक दूसरे पन्ने में नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप्स यानी आगे क्या करेंगे, इसके बारे में लिखा गया है। डायरी में 3 तीर के निशान लगाकर सुशांत ने एक एक करके शायद भविष्य की किसी कंपनी की तैयारियों को दिखाने की कोशिश की है। पहला कदम, नाम, हिस्सेदारी, पैसे को लेकर सोचेंगे, फैसला करेंगे, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम को लेकर भी फैसला करेंगे। दूसरा कदम, बेस्ट फॉरेन फिल्म्स और राइटर्स की पहचान करेंगे। सुशांत की डायरी में जितने पन्ने हैं उतनी ही कहानी है। हर एक पन्ने में नई नई बात है, हर पन्ने में सुशांत के सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए खाका खींचा हुआ है। डायरी के इस पन्ने में सुशांत ने अपने क्रिएटिव काम की चौथी स्टेप के बारे में लिखा है। क्रिएटिव प्लानिंग स्टेप 4 में सबसे पहले प्रियंका और मेघा मेहता का नाम लिखा है। उसके नीचे 3 हफ्ते का वक्त लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूटर के नाम, स्टेक होल्डर, पैसे और आई प्रोटेक्शन की बात है।
दूसरे कदम में दुनिया के नामी राइटर्स की प्रोजेक्ट बेस की पहचान की बात लिखी है और उसके बाद सही टैलेंट की पहचान भी लिखी गई है। सुशांत की डायरी के इसी पन्ने में तीसरे स्टेप में स्क्रीनिंग प्रोसेस से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने और फिर आखिर में लोगों से मिलकर टीम बनाने की बात भी लिखी गई है। तीसरा कदम टीम बनाएंगे, चौथा कदम कंटेंट जनरेशन। सुशांत अपनी डायरी में भविष्य के सपने की रेखा खींचने के साथ साथ दर्शकों को लेकर भी विचार लिखा करते थे। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में दर्शकों के अविश्वास को विश्वास में बदलने की बातें भी लिखी हुई है। अगर आपको दर्शकों के भरोसे को जीतना है तो आपको पहले यह करना चाहिए, लेकिन कैसे? उन चीजों को ढूंढें जो कि इस कैरेक्टर के लिए प्यार और सहानुभूति पैदा करें, या कम से कम उन बातों को समझें। हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मक हो। उसे तैयारी के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। आपको तैयारी को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। इसे उस व्यक्ति को आकार देने दें जो आप हैं। फिर अपने आप को ऐसे अनुशासन में रखें जिससे कि जब आप काम शुरू करना पक्का कर लें तो खुद ही सुनते हुए तैयारी का विचार ही एक तरफ हो जाए। सुशांत की डायरी के पन्ने पर फ्लो चार्ट बने हुए हैं जिसकी मदद से सुशांत ने अपनी जरूरत और पब्लिक प्रेजेंस का खाका दिखाया है। अब सुशांत की डायरी के पन्नों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि जो शख्स इतनी लंबी प्लानिंग कर रहा था वो आखिर सुसाइड कैसे कर सकता है। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में एंटरटेनमेंट हेडिंग के साथ तीन प्लानिंग की गई थी और हर प्लानिंग को विस्तार देने की बातें भी लिखी हुई है। 2020 में बॉलीवुड और हॉलीवुड, क्रिएटिव कंटेंट और इमर्जेंट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। सुशांत की डायरी में सपनों के उड़ान की बातें थी, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की बातें थी, प्रोडक्शन हाउस की बातें थी, टीम स्ट्रक्चर की बातें थी, स्टार्टअप शुरू करने की बातें थी, खुद और खुद के परिवार को वक्त देने की बातें थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने हंसती खेलती जिंदगी को मौत में बदल दिया। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में नीड लिखा हुआ है जिसे एन से बताने की कोशिश की गई है। मैं सोचना चाहता हूं अपने बारे में, परिवार के बारे में, किसी को खोना नहीं चाहता। मैं प्रोटेक्टिव, केयरिंग और समझदार होना चाहता हूं। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है, स्वार्थ रहित, केयरिंग और सेक्रीफाइस करने वाला। सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। बिंद्रा को मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है, जो कईयों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है, इसलिए मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए, कर ही देना चाहिए। डायरी के हर एक शब्द से साफ है कि सुशांत हर दिन ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, बॉलीवुड में अपनी धमक बरकरार रखना चाहते थे, अपनी टीम के साथ अपनी सोच वाली हर काम को पूरा करना चाहते थे। ऐसे में यह सवाल सबसे वाजिब सवाल है कि जिसके पास इतनी प्लानिंग थी उसने सुसाइड की प्लानिंग कैसे कर ली। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।